डियर फ्रेंड्स, आप पहले लेसन को प्रैक्टिस करके बैठ चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले लेसन में मैंने आपको बताया डाउन अप स्ट्रोक राइट हैंड से, जिसे स्ट्राइकर कहते हैं, स्ट्राइक हैंड कहते हैं, स्ट्राइकर से बजाया जाता है, जिसे डाउन अप स्ट्रोक को प्रैक्टिस आपने कर चुका होंगे। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा अपने सेकेंड लेसन की तरफ। सेकेंड लेसन में हम अपने लेफ्ट हैंड का भी यूज करना आपको बताएंगे और हमारे सिक्स स्ट्रिंग्स पे, जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उस पे किस तरह से स्केल बजाए जाते हैं और वो स्केल कौन से स्केल्स होते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर सेकेंड लेसन। डियर फ्रेंड्स, गिटार में डाउन ऑफ स्ट्रोक करते वक्त आपने कभी महसूस किया होगा कि आपकी गिटार स्लिप हो रही है, इस तरह से गिर रही है, या आप इस तरह से गिटार रख के बजा रहे हैं, तो ये एक गलत पोजीशन है, एक रॉन्ग पोजीशन है। मैं आपको पोजीशन के बारे में बताना चाहूँगा। गिटार को का जो ये कट होता है, उसको अपने थाई के ऊपर रखते हुए अपनी आंग को इस तरह से लाइए और इसको इधर से थोड़ा सा प्रेशर रख लीजिए ताकि ये स्लिप ना हो। उसके बाद स्ट्राइकर को पकड़ने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। अपने हाथ को इधर ला के फर्स्ट स्ट्रिंग पे डाउन, अब आपने स्ट्रोक जो प्रैक्टिस किया है उसको एक बार फिर से देख लीजिए। अब आपको गिटार होल्ड करना समझ आ चुका होगा और अब लेफ्ट हैंड जो है उसका जो थंब है उसको कहाँ रखा जाए, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ्रेट बोर्ड है, इस फ्रेट बोर्ड में ये फर्स्ट पोल, सेकेंड पोल, ये थर्ड पोल और सेकेंड पोल के बीच में जहाँ पे जब आप अपने थंब को रखोगे, वो आपका थंब ना कि ज़्यादा से आगे आना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए। ये सब रॉक पोजिशन मानी जाती हैं। बड़े आराम से सिंपल आपने इसको इसके ऊपर आना है और इसको इस तरह से आपने रखना है। जब आप थंब को इस तरह से रखते हो तब आप तैयार हो जाते हो लेफ्ट हैंड की मूवमेंट्स के लिए। तो अब आपको मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ई ओपन स्ट्रिंग पर ई स्केल सिखाना बजाना सिखाऊंगा। ई ओपन स्ट्रिंग पर ई ओपन स्केल जो है वो किस तरह से मूव करता है या स्केल क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर उभर रहे होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ। स्केल का मतलब होता है एक रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर नोट, कि एक नोट का क्या रेंज होगा। तो ई स्केल, ई नोट का जो रेंज है वो कुछ इस तरह से होता है। हम आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो नोट्स टैब्स में होंगे, टैब्स मतलब नंबर्स में होंगे। तब वो किस तरह से होगा, लाइक दिस 00, फिर आप टू पे फिंगर रखेंगे और फिंगर इस तरह से लगी होनी चाहिए सेकंड पोल के साथ, ना इसके ऊपर ना इसके बिल्कुल पीछे। तो उसको प्रेस करना है लाइक दिस। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो आवाज़ आएगी लाइक दिस, ये गलत है। तो उसको आपने प्रेस करना है और फिर थंब को आगे ऐसे लेके जाना है, पूरी ग्रिप आगे जाएगी, 4-4, फिर 5-5, 7-7, 9-9, 11-11, 12-12, 11-11, 9-9, 7-7, 5-5, 4-4, 2-2, 0-2। ये आपका ई स्केल ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा तैयार। एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि जब आप 0 के बाद 2 के बाद जब आप 4 पे जाते हैं तो आपका थंब की मूवमेंट मेरे हाथ की साथ जा रही है। जब आप नए होंगे, जब आप नए स्ट्रोक पे इसको फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके साथ हो सकता है कि आप टू बजाने के बाद इस तरह से फर्स्ट फिंगर को आगे लेके चलें, तो ये बेटा रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। मैं आपको इसी हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने ऑब्जर्व किया है अपने थ्रू आउट द टीचिंग एक्सपीरियंस में, कि स्टूडेंट को कहाँ पे गलत अभ्यास हो जाता है, वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार पूरा सीख लीजिए। ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे जो ई स्केल सिखाया गया है, ये एक ही फिंगर से बजाने के लिए आपको मैंने एडवाइस किया है। उसका कारण यही है कि अभी आपको स्ट्रिंग को प्रेस कैसे करना है, कितना प्रेस करना है, कहाँ पे रख के प्रेस करना है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा, आपकी ग्रिप, ये आपकी ग्रिप है, ये आपकी जो ग्रिपिंग है, ये आपकी ग्रिपिंग की प्रैक्टिस इसके साथ बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। फिंगर को कैसे प्रेस करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो आपका अब आज का सेकेंड लेसन ई स्केल अब आपको करवा दिया गया है। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। दिन में वही 45 मिनट टू 1 आवर आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो लेसन पहले था डाउन अप स्ट्रोक, देखिए वो इसके साथ कनेक्ट हुआ। आपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से सिर्फ डाउन अप स्ट्रोक किया और लेफ्ट हैंड से आपने डबल में 0-0, 2-2, 4-4 किया, वो आपका ई स्केल प्रैक्टिस
स्कोप है। डियर फ्रेंड्स, ईज के अलावा आप समझ चुके हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी बाकी की 6 स्ट्रिंग है, मतलब 5 स्ट्रिंग है, बी जी डी ए ई, अगर आप यही नंबर उन स्ट्रिंग्स पे बजाओगे तो क्या वो भी स्केल्स बन जाएंगे? व्हाट अ नाइस थॉट, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। बिल्कुल, ये बी स्केल बन गया और ये सेकंड स्ट्रिंग ओपन का सेम नंबर्स आपने टैब्स जो थे 0 2 4 5 7 9 11 12, ये टैब्स होते हैं, नंबर्स फ्रेट्स होते हैं, इन्हें टैब्स कहा जाता है। तो अब आप इसी को थर्ड स्ट्रिंग पे भी प्ले कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा। आपने राइट लेफ्ट हैंड से थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर हिट करना है और यहाँ से थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करना है। इसी तरह से आप फोर्थ स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फर्स्ट स्ट्रिंग पे आवाज प्ले कर रहे थे, इस स्ट्रिंग को प्ले कर रहे थे, तो उसमें जो आवाज आ रही थी वो बहुत पतली थी, और जैसे जैसे आप सेकंड स्ट्रिंग पे गए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, ऊपर की तरफ मूव करते गए, तो आपकी स्ट्रिंग में बास आता गया, भारीपन आता गया, ये भारीपन बास कहलाता है। और फर्स्ट स्ट्रिंग पे जो आवाज तीखी थी वो ट्रेबल कहलाता है। तो ये 6 स्ट्रिंग्स का आपको ये सेम नंबर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपका प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाएगा माई फ्रेंड्स। आप जैसे 1 आवर प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप 1.5 आवर प्रैक्टिस करिए और हर एक स्ट्रिंग को इक्वल टाइम देते हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ सभी की सभी स्ट्रिंग्स पे चलने लग पड़ेगा। और जब ये हाथ चल पड़ेगा तो इसके आगे क्या होगा, इसे जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी गिटार विद सुमित ऑन नर्वाना एंटरटेनर्स। थैंक यू।